ठीक ओके, वेलकम बैक टू क्लास सरसाद, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज नोन एज बेंजीन। सो टुडे वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज बेंजीन। In 1885, Michael Faraday discovered benzene during destructive distillation of vegetable oil gas component। 1885 में जब माइकल फेराडे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कर रहा था, तो वहां से जो गैस प्रोड्यूस हुआ, तो उसी गैस में उन्होंने बेंजीन को देखा। सो 1885 में फेराडे ने सबसे पहले बेंजीन को डिस्कवर किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि बेंजीन कब डिस्कवर्ड हुआ है, सो 1885 में, और किसने डिस्कवर्ड किया है, सो माइकल फेराडे ने। कैसे डिस्कवर्ड किया है, जब वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कर रहा था, तो उससे जो गैस कंपोनेंट प्रोड्यूस हुआ, उसी गैस कंपोनेंट में बेंजीन देखा गया। बट इन 1846 अस्सलामुअलैकुम जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन कर रहे हैं। ठीक, सो 1846 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डब्ल्यू एच होफमैन था। उसने भी बेंजीन्स को डिस्कवर किया। एंड कोल टार, आपको पता ही है कि कोल टार में तकरीबन 218 एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो उसमें एक कंपाउंड इज आल्सो बेंजीन। तो डब्ल्यू एच होफमैन ने 1846 में इस बेंजीन्स को कोल टार में भी डिस्कवर किया। And the next very important, that is structure of benzene, कि जी बेंजीन का structures क्या है। देखिए, सबसे पहले जब बेंजीन्स का फार्मूला निकाला, that is empirical formula, हमेशा जो first formula निकलता है, that is empirical formula, that is CH by elementary analysis करके जब बेंजीन्स का फार्मूला निकाला, empirical CH, फिर उसी एम्पेरिकल से उन्होंने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल किया, सो दैट इज C6H6। कैसे, जब N को एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई किया, तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। यू नो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, दैट इज N मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला होता है। सो जब N निकाला, N क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, सो दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 13, सो दैट इज इक्वल टू 6। जब n को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला, एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6। सबसे पहले जब एनालिसिस से बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, दैट इज CH, फिर उसी एम्पेरिकल फार्मूला से जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, दैट इज C6H6, तो इसका मतलब है कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन्स है।
और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है दैट 78 और एम्पेरिकल फार्मूला मास 13 है, तो इसका एन वैल्यू 6 आएगा। उसी 6 को एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर ले तो मॉलिक्यूलर है C6H6 आ जाएगा। ओके, जब दोनों फार्मूले एक्सपेरिमेंटली निकाले गए दैट इज C6H6 ऑफ द बेंजीन, तो फिर उसके बाद उसने स्ट्रक्चर्स बताया। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि इसी मॉलिक्यूल्स में इन एटमों की तरतीब क्या है। तो सबसे पहले C6H6 एटमों की जो तरतीब बताई गई दैट इज़ ओपन। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बताया C6H6 का दैट इज ओपन स्ट्रक्चर, कि बेंजीन जो है इसका स्ट्रक्चर ओपन है। किस तरह? लेट्स सी, कितने कार्बन है बेंजीन में? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। सो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर जरा देखिए, 4, 5 एंड दैट इज 6। एक अनदर ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दैट इज, और एक अनदर ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दैट। सो थ्री ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सबसे पहले बनाए गए। ओके, कार्बन वैलेंसी हमेशा क्या रखनी है? 4 और हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। ओके, तो आप इन स्ट्रक्चर्स में 6 कार्बन कर दें और 6 हाइड्रोजन्स कर दें, और हर कार्बन के वैलेंसी 4 रखें और हाइड्रोजन्स की वैलेंसी 1 होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा कर लूँ कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ, बाकी इसको एक हाइड्रोजन्स दूँ और इसको भी एक हाइड्रोजन्स दूँ, इस कार्बन के बॉन्ड पूरी हो गए, इसके भी पूरी हैं, इसके 2 कम है सो इसको 2 हाइड्रोजन्स दूँ H2, और इसको भी 2 हाइड्रोजन दूँ H2। तो अब क्या हुआ कि 6 कार्बन्स की वैलेंसी पूरी हो गई और इसमें 6 कार्बन भी है, और हाइड्रोजन कितने हो गए? वो भी 6 है, और हर हाइड्रोजन्स की वैलेंसी मोनोवैलेंट है। ओके, सो सबसे पहले जो बेंजीन्स का ओपन स्ट्रक्चर्स पेश किया गया था दैट इज ए। फिर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो दूसरे नंबर पे पेश हुआ था दैट इज, कि यहाँ पे सपोज अगर डबल कर दूँ, यहाँ भी डबल, इधर भी डबल कर दें, इधर भी डबल कर दें, तो इधर 2H देना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए, इधर भी 2H देने पड़ेंगे, इसके 4 पूरे हैं, इसके भी 4 पूरे हैं, इसका एक एक कम है सो इसको एक एक H दे दें। ओके, सो अनदर जो ओपन स्ट्रक्चर पेश किया गया था बेंजीन्स का वो ये था। आप मानेंगे कि सर वाकई इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑफ द C6H6। या तो ये मालूम हुआ था। एक और बता दूं कि अगर सपोज इसको डबल कर दें और इसको भी डबल कर दें, फर्स्ट कार्बन को, बीच वाले को अगर मैं ट्रिपल कर दूं, तो इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? 2। यस, वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए इसको 1 देना होगा, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसको 1 देना होगा और इसको 2 देने होंगे, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3, 4, 5, 6। सो अनदर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो पेश किया गया था, सो दैट, सो सबसे पहले C6H6 का जो स्ट्रक्चर पेश हुआ था कि जी C6H6 एन एटमों का अरेंजमेंट क्या है, तो वो ओपन हुआ था, और ओपन जो स्ट्रक्चर पेश हुए थे दैट इज ए बी एंड सी, दैट इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बट सच अ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एज लेटर ऑन रिजेक्टेड, ये बाद में रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हो गए? क्योंकि यही जो स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन्स थे ये एक्चुअल बेंजीन से मिलते नहीं थे। मतलब एक्चुअल बेंजीन जो था एक्सपेरिमेंटली वो कुछ और कह रहा था और इसके स्ट्रक्चर्स कुछ और कह रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कि अगर यही स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन है तो फिर जारी बात है तो यही स्ट्रक्चर्स पर एक्चुअल बेंजीन किस तरह का है वो एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, चलो मैं मानता हूँ ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, तो सारी बात है यही स्ट्रक्चर वही बातें करेंगे जो जैसा एक्चुअल बेंजीन है, जो एक्सपेरिमेंटल बेंजीन है। अब एक्सपेरिमेंटली बेंजीन कुछ और है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन कुछ और है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होते
तो बेंजीन को रियली एक्सपेरिमेंटली जैसा है उस पर एक्सप्लेन कर लेता। तो जब ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये रूल आउट कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं है। आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये बेंजीन के जो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब बेंजीन एक्सपेरिमेंटली इस तरफ जा रहा है और ये स्ट्रक्चर कुछ उस तरफ जा रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स होते तो बेंजीन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर लेता, जैसे बेंजीन है वैसे एक्सप्लेन करता अगर ये स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर। फॉर एग्जांपल किस तरह रूल आउट, किस तरह बेंजीन जो है ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखें पहली बात, KMnO4 ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेंजीन को जब KMnO4 के साथ ट्रीट किया, रियल में एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन को KMnO4 के साथ ट्रीट किया, सो बेंजीन ने KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया। सो जो कलर ऑफ द KMnO4 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द KMnO4? पर्पल, पिंक। सो वही कलर मेंटेन रहा। देखिए KMnO4 अपना कलर कब चेंज करता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब वो दूसरे स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर लेता है तो उसकी कलर चेंज हो जाता है। जब बेंजीन को इसके साथ मिलाया तो जब देखा तो KMnO4 वैसे के वैसे कलर का था। इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, अगर कर लेता तो KMnO4 अपना कलर चेंज कर लेता। लेकिन जब बेंजीन को एनी स्ट्रक्चर से अगर आप मिलाए, सो यू नो दैट इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO4, KMnO4 इनको ऑक्सीडाइज कर लेता है, इसको भी कर लेता है, इसको भी कर लेता है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में, अल्कीन ऑक्सीडेशंस बाय KMnO4, अल्काइन ऑक्सीडेशंस बाय KMnO4 पढ़ा होगा। तो अल्कीन ऑक्सीडेशन से क्या बनता था, ग्लाइकोल, और अल्काइन ऑक्सीडेशन से ग्लाइकोसाइल ऑक्सैलिक एसिड एंड प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब है कि अगर इनके साथ आप KMnO4 ट्रीट कर ले तो KMnO4 इनको ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो KMnO4 अपना कलर चेंज कर लेता है इनके साथ। लेकिन एक्चुअल बेंजीन के साथ तो उन्होंने कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, मतलब यही बेंजीन है, तो बेंजीन तो KMnO4 के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा, फिर ये क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं हो सकता। सेकंड क्या ऑब्जेक्शन हुआ था, सेकंड ऑब्जेक्शन ये था कि अगर ये बेंजीन है, मान लेते हैं ये बेंजीन है, तो बेंजीन एडिशंस रिएक्शन से, बेंजीन जो है एडिशंस रिएक्शन से कितने हाइड्रोजन आर क्लोरीन ऐड करते हैं, दैट इज 6 हाइड्रोजन आर क्लोरीन ऐड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पाई बॉन्ड जो होता है ना, एक पाई बॉन्ड, वो दो हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं, दो क्लोरीन एटम ऐड करते हैं, तो 6 जब ऐड हुआ तो इसका मतलब है कि कितने पाई बॉन्ड इन बेंजीन है, 3। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर से पूछा, देखा गया कि जी हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इज एडेड, तो ये 8 कर रहे थे। यही स्ट्रक्चर्स कितने, 8 हाइड्रोजन आर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, 8। इसका मतलब ये हुआ क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 पाई बॉन्ड है। ये देखो 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 पाई बॉन्ड है, तो इसी वजह से ये 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि बेंजीन नहीं है। अगर बेंजीन होता तो एडिशन से वो 6 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इट्स मींस दे हैव 3 पाई बॉन्ड, लेकिन ये 8 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इट्स मींस दे हैव 4 पाई बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई दैट इज ऑब्जेक्शन कि जी बेंजीन नहीं हो सकता, दिस सच ओपन स्ट्रक्चर, क्योंकि बेंजीन 6 कर रहे हैं और ये 8 कर रहे हैं। इसी तरह एक और ऑब्जेक्शन इस ओपन पे ये हुआ, इस ओपन स्ट्रक्चर पे एक और ऑब्जेक्शन ये हुआ था कि अगर यही स्ट्रक्चर मान लेते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यही स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, तो इनकी जब सब्स्टिट्यूशंस होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये कितने सब्स्टिट्यूशंस प्रोडक्ट देंगे,
मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये कितने देंगे जरा देखते हैं, मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने देंगे। इधर देखिए, अगर सपोज यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल दूँ किसी और एटम से, सब्स्टिट्यूशन करना है तो CH2 ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दोनों का एक जैसा बनेगा। लेकिन ये जरा देखिए CH, ये भी चल CH है, लेकिन अगर H यहाँ से निकला तो ये मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से डिफरेंट है। देखिए ये अगर यहाँ से सपोज H निकाल रहा है, इधर कितने H है C के साथ 2, यहाँ से अगर H निकाल रहा है तो यहाँ कितने H है कार्बन के साथ 1, तो ये मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अलग तरह का होगा, ये मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अलग तरह का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब मानव सब्स्टिट्यूशंस होगी तो वो मानव सब्स्टिट्यूट कितने प्रोडक्ट आएंगे, दो तरह के। अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुआ तो एक तरह का प्रोडक्ट होगा, यहाँ से हुआ तो दूसरी तरह का प्रोडक्ट होगा। सो टू मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन जब बेंजीन्स देखा तो वो एक ही मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा था। आप जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, तो सारे कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन्स है, तो इसका मतलब हुआ कि जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो वो जो मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा उससे एक तरह का देगा। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक तरह का नहीं आता था, इसमें मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डिफरेंट तरह के आते थे, दो तरह के, तीन तरह के। तो इस वजह से ये भी एक ऑब्जेक्शन था इस स्ट्रक्चर्स पे, सो दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसी तरह एक और भी ऑब्जेक्शन था एनी स्ट्रक्चर्स पे, ये स्ट्रक्चर बेंजीन्स के स्ट्रक्चर्स नहीं है। किस तरह, लेट्स सी, दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कि ये जो ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन तो हमारे पास दो तीन तरह के हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब अल्केन का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। कहते हैं कि अगर यही स्ट्रक्चर बेंजीन्स का है ओपन, तो ओपन में तो तीन जनरल फार्मूले हैं That. लेकिन जो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ये किसी भी इन ओपन जर्नल फार्मूले से नहीं आता। अगर कार्बन 6 है तो इस फार्मूले के मुताबिक हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14। इसके मुताबिक अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12। इस जर्नल फार्मूले के मुताबिक अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10। अगर बेंजीन C6H6 ओपन है तो ओपन के तो तीन जर्नल फार्मूले हैं, इन तीन जर्नल फार्मूलों में से किसी भी फार्मूले के साथ बेंजीन्स का फार्मूला रिलेट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन जो है C6H6 उसका ये स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन में जो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स है उसकी अरेंजमेंट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा अरेंजमेंट है विद लाइकोफन तो फिर इन तीन ओपन जर्नल फार्मूले में किसी एक से फार्मूला आता। अगर ओपन है तो ये ओपन के मुताबिक जो मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो एक तरह का नहीं, मुख्तलिफ तरह का आना चाहिए। बेंजीन में एक तरह का आता है मानव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर बेंजीन ऐसे ही है, C6H6 ऐसे ही है, तो ये तो 8 हाइड्रोजन 8 क्लोरीन 8 कर रहे हैं ड्यू टू 4 pi bond, तो बेंजीन भी 8 हाइड्रोजन 8 क्लोरीन 8 करते हैं, लेकिन एक्चुअल वो 6 करते हैं, तो इसका मतलब ये बेंजीन नहीं है। अगर बेंजीन यही है ओपन, तो ये तो कैमेन 4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कैमेन 4 इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, कैमेन 4 अपना कलर चेंज कर लेता है, लेकिन बेंजीन एक्चुअली कैमेन 4 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले व्यूअर्स जो स्ट्रक्चर्स आए थे बेंजीन के वो यही थे, दैट इज ओपन, कि बेंजीन इज ओपन लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इन्हीं ऑब्जेक्शंस की वजह से, रूल आउट की वजह से देखा गया कि नहीं, बेंजीन ऐसा नहीं है। क्यों, अगर बेंजीन ऐसा है तो फिर ये क्यों है, तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर पर रिजेक्ट हो गए।
तो फिर लेटर ऑन बीच में 40 साल गुजर गए थे, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम कीकोल है, उसने एक और स्ट्रक्चर दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ गया कि जी बेंजीन इज लाइक, तो वो स्ट्रक्चर क्या था, कीकोल स्ट्रक्चर्स जो बेंजीन के बारे में पेश किया था। सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेक्चर वीडियो में जो बेंजीन के स्ट्रक्चर C6H6 ऐसे लिखे गए थे, बेंजीन एस एक्चुअल नॉट लाइक दिस, वाई, अगर ये ऐसा है तो फिर ये प्रॉब्लम आते थे, तो इसी वजह से बेंजीन इसी स्ट्रक्चर से रूल आउट करते हैं, ये ऑब्जेक्शंस है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फिर बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर्स है, वो हम नेक्स्ट कीकोल पे जाएंगे, लेकिन कीकोल भी मैं आप लोगों को बताऊं, इट्स नॉट अ रियल, इट्स नॉट अ रेजोनेंस हाइब्रिड, इट्स नॉट अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर आप कहेंगे सर फिर बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर कहाँ है, वो मिलेगा हमें लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आए थे ओपन आए थे बेंजीन्स के, ये तो सारे रूल आउट कर रहे हैं, ये तो सारे गलत है। फिर उसके बाद कीकोल ने एक क्लोज स्ट्रक्चर दिया, हाँ वो मैक्सिमम हद तक ठीक था, बेंजीन को एक्सप्लेन कर रहा था, ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे थे, बट चंद ऑब्जेक्शंस वहाँ भी है, चंद ऐसे पॉइंट थे कि वो कीकोल नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, इस वजह से कीकोल स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉट अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर रियल स्ट्रक्चर कहाँ है, कीकोल के बाद मैं नेक्स्ट तिवरी पे जाऊँगा, वहाँ आपको रियल स्ट्रक्चर्स मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।